सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इवियॉन मेडिसिन के बारे में, या इवियॉन जो कैप्सूल होती है इसके बारे में बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदा है और कैसे आपको लेना है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कितने mg में आपको लेना है जो कि आपके लिए बेहतर रहेगी। तो ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो इवियॉन की जो कैप्सूल है ये है विटामिन ई की कैप्सूल, या फिर आप इसको विटामिन ई कैप्सूल भी बोल सकते हो। अब ये जो इवियॉन है ये मैर्क लिमिटेड कंपनी वालों की ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो देखिए इवियॉन में एक 200 एमजी की कैप्सूल आती है, एक 400 की आती है, एक 600 की आती है। तो प्राइस के बारे में मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। तो अगर आप 200 एमजी में लेते हो ये आपको मिलेगी 17 रुपीज़ 43 पैसे में, और एक स्ट्रिप आएगी जिसके अंदर जो है 10 कैप्सूल रहेगी। तो पहले ये काफ़ी चीप थी अभी, लेकिन जो है प्राइस इसका इंक्रीज़ हो गया है। और इसका कलर रहेगा रेड, रेड कलर में जो है 200 एमजी की रहती है। और इसके अलावा अगर आप 400 एमजी में लोगे तो इसका कलर रहेगा ग्रीन, और ये मिलेगी आपको 29 रुपीज़ 73 पैसे में, और ये भी जो है 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप आती है। इसके अलावा अगर आप 600 एमजी में लेते हो तो इसका कलर कुछ गोल्डन टाइप का कलर रहेगा। तो इनसे जो है आप कलर से भी पहचान कर सकते हो कितने एमजी की रहेगी। तो 600 एमजी वाली जो है 42 रुपीज़ 85 पैसे मिलेगी, जो कि 10 कैप्सूल मिलेंगी। तो ये इसका प्राइस था, और कलर के हिसाब से आप चूज कर सकते हो एमजी। अब इसको खरीदना कहाँ से, तो देखिए जो भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। और अगर आपको कोई दूसरी कंपनी की लेनी है तो आप चाहे तो दूसरी कंपनी की भी ले सकते हो, वो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। तो ऑनलाइन के लिए जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आप घर बैठे बैठे भी विटामिन ई की कैप्सूल मंगा सकते हो, क्योंकि ये जो है एक विटामिन ई की कैप्सूल ही है। तो देखिए इधर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि कितने एमजी की लें। तो इधर मैं बोलना चाहूंगा आप 200 एमजी की लें, ना 400 एमजी की लें, ना कि 600 एमजी की लें। उसका जो है कारण है, देखिए आपको कभी भी कोई भी मेडिसिन यूज करना है तो वो जो है आपको मिनिमम डोज से एक तो चालू करना होता है। तो देखिए 200 एमजी का आप 400 एमजी भी बना सकते हो, 600 एमजी भी बना सकते हो। जैसे कि आप 200 एमजी की कैप्सूल ले लेते हो, और अगर आपको 400 एमजी लेना है तो 2 कैप्सूल ले सकते हो, और अगर आपको 600 एमजी में लेना है तो 3 कैप्सूल ले सकते हो। लेकिन भाई 400 एमजी या 600 एमजी ले लोगे तो उसका कम नहीं कर सकते, कम से ज़्यादा जरूर कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 200 एमजी की जो है कैप्सूल खरीद के लाएं। और इसके अलावा आपको ये पता है कि विटामिन ई जो है हमको क्यों ज़रूरत होती है और क्या रिक्वायरमेंट है डेली की। तो देखिए मात्र हमको 15 एमजी, मतलब जो एक एडल्ट पर्सन होता है ना उसको 15 एमजी की रिक्वायरमेंट होती है डेली की विटामिन ई की। तो इधर आपको पहले तो ये समझना है कि आपको विटामिन ई क्यों खाना है, और इधर अगर आपको कोई बीमारी है तो इसको 1000 एमजी तक एक दिन में लिया जा सकता है, वो भी डॉक्टर की सलाह से। तो इधर देखा आपने, सिर्फ 15 एमजी की रिक्वायरमेंट होती है हमको विटामिन ई की, जो कि हमको खाने से मिल जाता है। नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हमको फिर विटामिन ई की कमी होती है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब ये जो है अंदर जाके स्टोर हो जाता है। और अगर विटामिन ई की कमी होती है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और विटामिन ई जो होता है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और विटामिन ई जो है हमारे मसल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको मसल्स में वीकनेस वगैरह है तो हो सकता है कि विटामिन ई की भी कमी हो सकती है, वो मसल्स में क्रैम्प आ रहे हैं, या फिर आप जो है थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं कोई भी काम करते हैं, तो वो उसमें भी जो है विटामिन ई काफ़ी यूजफुल होता है। इसके अलावा हार्ट के लिए विटामिन ई काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपका जो है एलडीएल बढ़ा हुआ है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए भी विटामिन ई काफ़ी अच्छा होता है, कि डॉक्टर भी देते हैं। इसके अलावा आपकी जो हार्ट की आर्टरीज होती है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनको खोलने के लिए ये। इसके अलावा मेल जो है इनफर्टिलिटी की शिकायत है आदमी लोगों में, तो उसमें भी काम करती है ये विटामिन ई। इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी अच्छी होती है। और विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से बचाती है। इसके अलावा आपके ब्लड वेसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ब्लड वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी होती है विटामिन ई। और जो लोग विटामिन ई लेते हैं उनको जो है कैंसर होने का जो रिस्क है या संभावना है वो भी कम होती है। और बाकी आंखों के लिए काफ़ी अच्छी होती है विटामिन ई। इसके अलावा आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, वो जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से भी बचाती है ये विटामिन ई की कैप्सूल। तो देखिए इधर अगर विटामिन ई की कमी होती है तो जो अभी मैंने बताया उनमें से कुछ भी आपको हो सकता है अगर विटामिन ई की कमी है तो। हालांकि बहुत सारी और भी कंडीशंस होती हैं, तो आपने देखा कि विटामिन ई के बहुत सारे फायदे हैं। तो देखिए अभी हम डोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए डोज कैसे जो है इसका लेना होता है। तो देखिए डोज वैसे तो डिसाइड होते हैं कि हमको विटामिन ई की कितनी कमी है, ये आपको पहले तो ये पता होना चाहिए।
हालांकि आप चाहें तो 200 mg की टेबलेट, एक टेबलेट जो है डेली लेके देखें, और कुछ नहीं तो 10 से 30 दिन जो है आप इसको लेकर देख सकते हैं, और इसको जो है खाना खाने के बाद लेना है और सिंपल पानी के साथ ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर मैं 200 mg क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले तो ये पता लगाना होगा कि हमको सही में विटामिन ई की कमी है कि नहीं। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी जैसे कि आप हेयर के लिए ले रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं आपको ऐसा लगता है कि विटामिन ई की कमी है स्किन के लिए ले रहे हैं, तो आप पहले तो एक हफ्ता लेके देखिए, अगर आपको फ़ायदा नज़र आता है तो आप समझ जाइएगा कि आपको कुछ विटामिन ई की कमी थी। बाकी मैं इधर नहीं बोलूँगा कि ज़बरदस्ती आप विटामिन ई लीजिए, आप डॉक्टर से सलाह करिए तभी लीजिए। और देखिए, मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं देना है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी जो है विटामिन ई की कैप्सूल नहीं देना होता है, और देना भी है तो डॉक्टर की सलाह से लें। आप इसको देखिए अप्लाई करना होता है, स्किन में कैसे अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो, वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, विटामिन ई की कैप्सूल अगर आप खाते हो तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट दुख सकता है, नोजी टाइप हो सकता है, या स्किन में रैसेज वगैरह आ सकते हैं, या फिर खुजली हो सकती है, या फिर स्वेलिंग वगैरह आ सकती है, ऐसा कुछ होता है तो आप विटामिन ई की कैप्सूल लेना बंद कर दें। और अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में भी नहीं लेना है। और देखिए, अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या है, जैसे कि आपके नाक से खून आ जाता है तो, और कहीं से भी खून आता है, ब्लीडिंग की जो है शिकायत रहती है, तो उस कंडीशन में नहीं लेना है, क्योंकि विटामिन ई का अगर ओवरडोज होता है तो उस कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। इसके अलावा इकोस्पोरिन वगैरह जो होती है, जैसे कि खून पतला करने की कोई दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ इसको नहीं लेना होता है, और अगर लेना भी है तो डॉक्टर की सलाह से लें, अपनी मर्जी से ना लें। अब देखिए, इधर हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब भाई हमको खाना ही नहीं विटामिन ई, तो आपको पता है कई लोग बालों में यूज़ करते हैं, स्किन में यूज़ करते हैं, तो देखिए ये आप करके देख सकते हो। देखो, एक्सटर्नल यूज़ हम कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा जो है रिस्क नहीं होता है। जैसे कि आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, बालों की मजबूती के लिए अगर आपको विटामिन ई यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, तो देखिए आप किसी भी ऑयल में जो है इसको मिक्स करके, और 400 mg में फिर यूज़ करना है आपको, 400 mg में यूज़ करना है, या अगर आपके पास 200 mg की कैप्सूल है तो 2 कैप्सूल ले लीजिए, तो 400 mg बन जाएगा। तो 400 mg जो है किसी भी ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल लेके, चाहे वो नारियल का हो या आपका बादाम का हो या फिर जैतून का ऑयल हो, किसी भी ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करके अच्छी तरीके से आप जो है मसाज करें हेड की, तो इससे बाल आपके अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, आपके हेयर फॉलिकल्स मजबूत होंगे। ऐसा कम से कम हफ्ते में 2 बार करें, और अगर आप रात में करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रात में हम थोड़ा सा मसाज करके इसको सुबह तक छोड़ दें तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है आपकी स्कैल्प जो होती है ना, सर की स्कैल्प, वो भी अब्जॉर्व कर लेगी। तो ऐसा आप हफ्ते में 2 बार करें तो आपके बाल अच्छे खासे मजबूत हो जाएंगे। आप भाई फेस पे यूज़ करना है, तो देखिए फेस पे यूज़ करना है तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि कोई मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हो तो उसमें इसको मिक्स करके यूज़ कर लें, या कोई फेस पैक जो है यूज़ करते हैं तो उसमें मिक्स करके इसको यूज़ कर लें। और देखिए, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि रात में जो है सोने से पहले आप विटामिन ई की कैप्सूल लें, किसी भी ऑयल में जो है मिक्स करके अच्छी तरीके से चेहरे में या हाथ पैरों में लगा लें, तो रात में जो है आप ऐसा करोगे तो सुबह आप देखिएगा कि आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, और काफ़ी स्किन जो है ग्लो भी करेगी। और ऐसा आप हफ्ते में चाहें तो 2 बार कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कितनी परेशानी है। आप चाहें तो हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं, और ज़्यादा परेशानी नहीं तो हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है भाई कंडीशन पे। लेकिन इधर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑयली स्किन में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं, तो इधर ऑयली स्किन वालों को मैं नहीं बोलूंगा, बाकी आप डॉक्टर से सलाह लें। और देखिए, इधर पहले तो इसका गले में थोड़ा सा लगा के टेस्ट कर लें एक बार, क्योंकि हो सकता है कि आपको विटामिन ई से रिएक्शन हो जाए, कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, तो एक रात में जो है गले में कहीं पर भी जरा से हिस्से में आप इसको लगाकर, विटामिन ई की कैप्सूल को लगाकर छोड़ दें, और सुबह देखें अगर आपको कोई भी रैशेस या इचिंग नहीं होती है, मतलब ये जो है विटामिन ई, आपको विटामिन ई की कैप्सूल जो है सूट हो रही है। इसके अलावा कई लोगों को जो है सनबर्न हो जाता है, तो उसमें भी जो है आप लगाकर रात में, रात भर लगा के रखें जहाँ पर आपको सनबर्न हुआ है विटामिन ई की कैप्सूल, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, इस प्रकार से इसको यूज़ करना होते हैं, जो कि मैंने आपको पूरा बताया आपको कैसे खाना होता है, और जो है आपको कैसे इसको स्किन पे यूज़ करना है, बालों में यूज़ करना है। तो इधर मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि विटामिन ई की रिक्वायरमेंट 15 mg की होती है, जो कि हम अगर हेल्दी डाइट लें तो उससे जो है विटामिन ई हमको मिल जाता है, या फिर आप मल्टी विटामिन ले सकते हैं, मल्टी विटामिन में जो है विटामिन ई अवेलेबल होता है। तो देखिए, मल्टी विटामिन से फ़ायदा क्या मिलेगा कि उसमें बहुत सारे विटामिन मिल जाएंगे आपको, विटामिन ई भी मिलेगा, विटामिन बी भी मिलेगा, बहुत सारे ऐसे विटामिन मिलेंगे जो कि आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद रहेंगे। वो लगाने की बात आती है तो विटामिन ई आपके लिए अच्छा होता है, मतलब एक्सटर्नल यूज़ करना है तो। इधर देखिए, अगर विटामिन ई की कैप्सूल खाते हैं तो आप अल्कोहल वगैरह ना लें तो बेहतर रहेगा। तो
तो दोस्तों मेरा वीडियो देरी खत्म होता है, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा विटामिन ई के बारे में और इस इवियॉन कैप्सूल के बारे में। लेकिन अभी भी कोई डाउट है इस मेडिसिन को लेकर तो आप जो है कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।